जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता भगवानो नायक ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के बठिंडा ग्राम में 5 लोगों की संदिग्ध मौत पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अब हत्या और आत्महत्या की घटनाएं आम हो गई है, तभी दोहरे मर्डर होते हैं, 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो जाती है। कानून व्यवस्था प्रदेश में बुरी तरीके से चरमरा गई है, सरकार को कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। ग्राम बठेना पाटन विधानसभा क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है, ये बहुत ही दुखद और दिल को दहला देने वाली घटना है। आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को पाटन विधानसभा क्षेत्र के ही खुरमुड़ा में 4 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसकी आज तक कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। लगातार जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, चाहे वह हत्या का मामला हो, आत्महत्या का मामला हो, बलात्कार, लूट, अपहरण, चाकूबाजी की घटनाएं, इससे अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस प्रदेश में अपराधी ताकतवर और पुलिस हमारी कमजोर हो गई है। इस संबंध में सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। दुर्ग जिला, जहां पर 3-3 मंत्री का निवास है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास है, माननीय गृहमंत्री जी का निवास है, माननीय कृषि मंत्री जी का क्षेत्र कहा जाता है, ऐसे में इस प्रकार की घटनाएं जो है कहीं ना कहीं आम जनता को भयभीत करने वाली है। सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं लगातार